सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कायाकृति को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने किंडल पेपर वाइट 10th जनरेशन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके आउटर पैकेजिंग से। तो ये कुछ इस तरह के पैक के साथ आया था और ये है इसका इनर पैकेजिंग। इस पैक के अंदर मेजरली दो चीज़ें हैं, एक तो आपका मेन डिवाइस है और दूसरा ये डेटा केबल है। एडेप्टर इसके साथ नहीं आया है, वो आपको एक्सटर्नली परचेज करना होगा या फिर अपना मोबाइल एडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑल्दो मैनुअल का सॉफ्ट कॉपी इस डिवाइस के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब आप डिवाइस सेटअप करेंगे उसके अंदर आपको फुल डिटेल मिलेगी किस तरह से डिवाइस यूज़ करना है, क्या फंक्शनैलिटी है। नॉर्मली ये डिवाइस 13,000 का आता है, बट सेल डेज में ये अमेज़ॉन पे 10,499 में मुझे मिला। इसके दो वेरिएशन्स और हैं इस डिवाइस के, वेरिएशन्स और मॉडल आप बोल सकते हो। एक जो कि 8,000 के अप्रॉक्स आपको अवेलेबल होगा, दूसरा ओएसिस करके है जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, 20,000 प्लस आपको स्पेंड करना पड़ेगा उस डिवाइस के लिए। ऑल्दो इंटरनेट पर मोस्ट रिकमेंडेड किंडल वर्जन यही है जो कि एक नॉर्मल यूज़र के सारे रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है। अगर आप भी किंडल डिवाइस परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो के लिए हेल्पफुल हो। मैं कुछ एक की बेनिफिट्स इस डिवाइस के आपको बताता हूँ। कंपेयर टू मोबाइल डिवाइसेस, इसका डिस्प्ले काफ़ी डिफरेंट होता है। एक नॉर्मल मोबाइल पर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो इस किंडल डिवाइस के थ्रू आप कर सकते हैं, बट डिफरेंस केवल डिस्प्ले का ही होता है। इसकी स्क्रीन आपके आँखों पर स्ट्रेस नहीं डालता। लंबे समय तक आप किसी मोबाइल फ़ोन पर PDF नहीं पढ़ सकते, कोई ई-बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक समय के बाद आप आँखों पे स्ट्रेस महसूस करेंगे कॉन्टीन्यूअस वे में जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो। बट किंडल के केस में ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ऐसा फील आएगा कि आप एक नॉर्मल बुक पढ़ रहे हो। 100% तो नहीं, बट अप्रॉक्स 80% ये बुक की फीलिंग देता है। एक बार मैं इसकी स्क्रीन क्वालिटी और स्क्रीन के साइज़ का आइडिया आपको दे देता हूँ। इसके बॉटम पे इसका पावर बटन है, ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल बुक पेपर की तरह फील आएगा। अब इसके ओवरऑल साइज और स्क्रीन साइज के आइडिया के लिए मैं एक नॉर्मल साइज नॉवेल से इसका कंपेयर करता हूँ साइड बाय साइड। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इसका लेंथ और विड्थ कितना है। ये देखिए, ये नॉवेल से थोड़ा सा छोटा है, बट आप इसके टेक्स्ट को स्मॉलर और लार्जर कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट। तो आपको टेक्स्ट रिलेटेड साइज़ का कोई इशू नहीं आता मोबाइल की तरह। दूसरा बेनिफिट कंपेयर टू बुक, इसे कैरी करना काफ़ी आसान है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8GB है और इतने स्पेस में आप थाउजेंड्स ऑफ बुक स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे दिखता है वो है किसी भी बुक का इंस्टेंट एक्सेसिबिलिटी। आपको कोई बुक ऑनलाइन परचेज नहीं करना है और उसकी डिलीवरी के लिए 7 डेज तक वेट नहीं करना है या किसी बुक स्टोर पे नहीं जाना है। आप ऑनलाइन किंडल वर्जन परचेज करते हो और विद इन 5 मिनट्स वो आपके डिवाइस पर होता है। इसके अलावा किंडल का एक बेनिफिट और हम कह सकते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट जो आपने ऑलरेडी इस डिवाइस पर कर दी है, 10,000 या 12,000 30,000 जितने का भी आपने परचेज किया है, ये परचेज के बाद आप कुछ कॉस्ट सेव कर सकते हो बुक्स के ऊपर। जो पेपर वर्जन सपोज 200 का अवेलेबल है, मे बी किंडल वर्जन उस बुक्स का आपको 50 रुपीज़ में मिल जाए या इवन और चीपर मिल जाए, तो वहाँ पे आप कुछ कॉस्ट सेव कर लेते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से जो कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो कि इन नियर फ्यूचर किंडल परचेज करने का प्लान कर रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you would like it. Thank you so much.